टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे टाइम पूछना चाह रहा हूं वट टाइम इज इट क्या टाइम हुआ है इट्स टाइम टू मेक मनी इट्स टाइम टू मेक मोर मनी बिकॉज इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वेबसाइट फ्लिपिंग से पैसे बना सकते ये टॉपिक की पूरी सीरीज जो है जो अभी तक आप पीछे से देखते आ रहे होंगे और साथ साथ आगे भी देखेंगे और सीखेंगे ये इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग दर्ड प्रेस इको सिस्टम अगर आप वर्ड प्रेस इको सिस्टम को समझ गए तो आप पैसे बनाने का हर गुर समझ जाएंगे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रेस पे आप थीम्स बेच के पैसे बना सकते हैं आप वर्ड प्रेस पे एड्स लगा के पैसे बना सकते हैं आप वर्ड प्रेस पे कोर्स बेच के पैसे बना सकते हैं इसी तरह आप वर्डप्रेस की साइट को बेच के भी पैसे बना सकते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेबसाइट फ्लिपिंग तो आखिर वेबसाइट फ्लिपिंग होती क्या है वट इज वेबसाइट फ्लिपिंग इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वेबसाइट एंड सेलिंग एम फॉर प्रॉफिट यू मी एवरी वन आउट देर अ कॉमन गोल वो कॉमन गोल क्या है वो कॉमन गोल ये है दैट वी वांट टू मेक मनी एंड वी वांट टू मेक प्रॉफिट्स और इसी वजह से हम इस टूल को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं हम इस इको को ज्यादा से ज्यादा समझना चाह रहे हैं सो वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी और इन पैसों से ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी बदल सकें बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी भी बदल सकें और पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक मेजर सेंटर पॉइंट बना सके और इसी तरह इसी सोच के साथ मैं आपको एक वर्डप्रेस के ऐसे सुपर हीरो से मिलवाना चाहूंगा जिसने इसी सोच से अपनी जिंदगी भी बदली और अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी बदल दिया द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन इज सलमान सईद सलमान सईद जो के फाउंडर हैं कुछ और भी बड़ी मशहूर वेबसाइट्स के लाइक खान मीटर आज से ऑलमोस्ट पांच साल पहले उन्होंने एक साइट बनाई जिसको उन्होंने एक करोड़ रुपए के दामों में बेचा एंड दैट साइट वॉज गैगिज्म गैगिज्म कॉम सो सलमान इज द फाउंडर ऑफ गैगम एंड ही सोल्ड इट फॉर वन करोड़ रुपीज एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट फ्लिपिंग कि भाई आप एक वेबसाइट बनाएं एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट करें और फिर आप उस वेबसाइट को अच्छे दामों पे बेच दें एंड दैट्स अ प्रोसेस दैट इफ यू कीप रिपीटिंग यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी सलमान से तो आप आगे जाके मिलेंगे बिकॉज सलमान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरो सीरीज सो यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम हिम यू विल गेट टू टॉक टू हिम एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद हिम लेकिन इससे पहले कि हम सलमान की स्टोरी को डीप अंडरस्टैंड करें और देखें कि उन्होंने ये कैसे किया लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंपल स्टेप्स टू फॉलो फॉर वेबसाइट फ्लिपिंग वेबसाइट फ्लिपिंग का मैंने आपको बता दिया क्या होती है इट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म वेबसाइट्स एंड सेलिंग देम फॉर प्रॉफिट्स बट प्रोसेस क्या है तो नंबर वन सबसे पहली चीज आपने ये करनी है यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट नीश नीश क्या नीश इज द टॉपिक इज द एरिया जिस पे आप वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं और चूंकि वेबसाइट फ्लिपिंग इज अ शॉर्ट टर्म गिग तो इट्स बेटर टू फाइंड अ नीश और अ टॉपिक जिसकी शॉर्ट टर्म रीच ज्यादा हो इट कुड बी समथिंग लाइक एन इवेंट और द फीफा वर्ल्ड कप सो अ नीश इज एनी टॉपिक दैट पीपल आर लुकिंग ऑन गूगल सो गूगल पे अगर लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो आपका नीच है फॉर एग्जाम्पल अगर होम रिपेयर की कोई चीज लोग गूगल पे देख रहे हैं तो आपका नीच बन जाएगा होम रिपेयर बट बी वेरी केयरफुल विद योर चॉइस योर नीश मस्ट बी वन वेयर द टारगेट ऑडियंस इज विलिंग टू पे फॉर वट यू हैव टू ऑफर भाई अगर आप कोई ऐसा नीच चूज करेंगे जिसमें लोग देखना ही नहीं चाह रहे लोग विजिट करना ही नहीं चाह रहे तो दैट्स द रॉन्ग नीश चूज योर की वर्ड्स the next step step number 2 is to choose ke aapne ken keywords ko target karte ve apni website ko banana. so use the google adwords keyword planner to choose keywords for your website and we suggest ke aap aise keyword phrases ko choose kare jiski traffic 100000 say at least come ho so you don't have a lot of competition उसके साथ साथ नंबर थ्री इज एडिंग सपोर्टेड कीवर्ड्स कुछ ऐसे पांच से दस और कीवर्ड्स जो कि आपके मेन कीवर्ड को साथ साथ सपोर्ट कर रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपने कंटेंट को रिफाइन करने के लिए अपने कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए नंबर फोर इज टू बाय अ डोमेन नेम व्हिच इज कीवर्ड रिच कीवर्ड रिच डोमेन नेम क्या होता है कीवर्ड रिच डोमेन नेम इज अ डोमेन नेम जिसके नाम में ही आपका कीवर्ड हो सो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस वेबसाइट दैट आई क्रिएटेड वाइल रिकॉर्डिंग दिस कोर्स इट्स माय नेम साद सो यू कैन गो ऑन विद साद कॉम ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने अभी बनाई है और इसमें कीवर्ड जो मेरा नाम है वो भी आ रहा है इसी तरह जो आप साइट बनाएंगे उसमें आपका कीवर्ड आना जरूरी है So do visit witsar.com because I have a lot of exclusive information for my DJ skills trainees and DJ skills participants on that. Our website, जो तो आप use कर सकते हैं to register your domain name is Namecheap. Namecheap का हमने आपको पहले भी बताया था और अगर आप previous courses को जाके देखें तो हमने आपको उनमें कुछ ऐसे topics का बताया हुआ है जिससे आप right domain registrar ढूंढ सकते हैं So that's very, very critical. Dot com ni milta, to dot org dot org ni milta, to dot info Koi bhi domain name jo aap liye sahi hai, aap liye kam hai. Try to find that. Number five is to create content for your website. By content, bot zaruri hai. WordPress is all about content. And this is where you can use WordPress because WordPress gives you the opportunity to create content and as well as to SEO for your content. आर्टिकल्स पब्लिश करें कंटेंट डालें और एटलीस्ट अपनी साइट को बेचने से पहले या फ्लिप करने से पहले 50 टू 70 आर्टिकल्स तो लाजमी लिख लें फिर अपनी साइट को सबमिट करें टू सर्च इंजन लाइक गूगल याहू एंड द सेवेंथ पार्ट इज टू प्रोमोट योर वेबसाइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो यू कैन गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक आना शुरू होगी आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू इट So, भाई आपके पास ट्रैफिक आ गई अब आप उस साइट को बेच के यू कैन मेक मनी तो क्वेश्चन सेल करें कहां सेल दैट वी रिकमेंड फॉर फ्लिपिंग वेबसाइट इज कॉल्ड फ्लिपा डॉट कॉम एज यू कैन सी हिस्टर फ्लिपा डॉट कॉम इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर दोज हुट टू बाय एंड सेल वेबसाइट एंड टू गिव यू अक प्रिव्यू ऑफ दिस साइट वी विल टेक यू लाइव एंड शो यू फ्लिपा डॉट कॉम क्या है कैसे चलती है और कैसे इस पे आप वेबसाइट्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं सो so, गूगल पे जाते हैं और इस पे लिखते हैं फ्लिपा आप फ्लिपा लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी फ्लिपा डॉट कॉम दिस इज द साइट वे यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट फॉर योर सेल्फ टू सेल योर वेबसाइट सो फ्लिपा हेल्प यू लिस्ट फास्टर कनेक्ट विद बायर्स एंड सेलर्स टू सेल योर बिजनेस विथ समन इज एज पैशनेट एज यू आर इस साइट पर जाने के बाद यू कैन जस्ट लुक फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और यू कैन स्टार्ट सेलिंग सो यहाँ पे प्राइसिंग आ गई है इस प्राइसिस को देख के आप यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इस पर बहुत सारी वर्ड प्रेस वेबसाइट्स भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इट्स अ वेरी डिटेल्ड वेबसाइट आपको ऑब्वियसली जाके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप लेना चाह रहे हैं बेचना चाह रहे हैं देर इज़ एन ऑप्शन टू सेल योर बिजनेस एज वेल आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इज योर बिजनेस करंटली ऑपरेटिंग एंड हैज़ बिन जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर एटलीस्ट सिक्स मंथ्स सो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप अपनी साइट को छः महीने का टाइम दें और उसके बाद ही अपनी साइट को जाके बेचें सो इट क्लिक ऑन यस एंड देन आर यू एबल टू जनरेट अ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के सेलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं आ, हमारी रिकमेंडेशन हर किसी को है कि वो अपनी वेबसाइट को सेल करने से पहले एटलीस्ट उस पर हंड्रेड आर्टिकल्स लाजमी पब्लिश करे एटलीस्ट एड से थोड़ा बहुत रेवेन्यू लाजमी जनरेट करे और एक रूल ऑफ थम कहा जाता है कि अगर आपने अपनी साइट को सेल करना है सो यू कैन मल्टीप्लाई द रेवेन्यू ऑफ योर साइट by 12 and offer that as the selling price of your website so flippaku definitely explore current dekhe. let us learn together let us grow together let us sell together let us earn money together